अभिनेता संजय दत्त जल्द ही सिनेमा पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं फिल्म भूमि से। वैसे 90 के दशक में संजय दत्त को हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार भी माना जाने लगा था, जब उनकी एक के बाद एक फिल्में हिट हो रही थी। लेकिन तभी मुंबई बम धमाकों में संजू बाबा का नाम आने की वजह से उनके फिल्मी करियर पर ब्रेक लग गया। संजय दत्त पर कई तरह के संगीन आरोप लगे, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। संजू बाबा अब इस काले अध्याय को भूलकर एक नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं। बात अगर संजय दत्त के बचपन की करें तो संजू बचपन में बहुत ही शरारती थे, इसीलिए उनके पिता सुनील दत्त ने उन्हें बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। बीच में एक आध बार किसी फिल्म की शूटिंग के वक्त संजय दत्त फिल्म रेशमा और शेरा की एक कव्वाली में नजर आए थे। इसके बाद संजू बाबा के मन में एक्टर बनने की तमन्ना पैदा हो गई। पढ़ाई पूरी कर संजय दत्त ने अपने पिता सुनील दत्त से कहा कि वो भी फिल्मों में काम करना चाहते हैं। तो हर अच्छे पिता की तरह सुनील दत्त ने करीब एक साल तक संजय दत्त को एक्टिंग की बाकायदा ट्रेनिंग भी दिलवाई और खुद ही फिल्म रॉकी के जरिए हिंदी सिनेमा में संजू बाबा को लॉन्च कर दिया। फिल्म के मुहूर्त पर सुनील दत्त ने अपने सबसे अच्छे दोस्त दिलीप कुमार को बुलाया। महबूब स्टूडियो में फिल्म का मुहूर्त रखा गया था। फिल्म मुहूर्त शॉट से पहले एक गैलरी में संजय दत्त की एक्टिंग ट्रेनिंग के दौरान खींची कुछ फोटोज दत्त साहब ने लगवाई थी। उन फोटोज को जब दिलीप साहब ने देखा तो देखते ही सुनील दत्त से कहा, ये तो बड़ा स्टार है, अब मुहूर्त शॉट में उसे देखने की क्या जरूरत है, मुझे जो देखना था देख लिया। दिलीप साहब की अंतरात्मा से निकली ये आवाज सच भी साबित हुई। बाद में संजय दत्त ने दिलीप कुमार के साथ जब विधाता फिल्म में काम किया तो उस वक्त उनसे एक्टिंग के बारे में काफी कुछ सीखा भी था। और एक समय ऐसा भी आया था जब संजय दत्त को हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार भी माना जाने लगा था, लेकिन बाद में सब कुछ उल्टा हो गया।